साहित्य कला और संस्कृति के सबसे बड़े महोत्सव टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला विश्वरंग के छठे संस्करण का आयोजन इस बार मॉरिशस में होने जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति संतोष चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वरंग जल्द ही अपना छठवां संस्करण मॉरिशस में पूरा करने जा रहा है। आगामी 7 से 9 अगस्त तक भारत सहित दुनिया के 35 से भी ज्यादा देश हिंदी का परचम लहराने विश्व मंच पर एक साथ होंगे। विश्वरंग 2024 इस बार मॉरिशस में आयोजित होगा। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति बड़े पैमाने पर पहले से ही मौजूद है और भारत के गए हुए प्रवासी भारतीयों ने ही उस देश को बनाया है, तो इस तरह मॉरिशस बहुत उचित जगह है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो। इसमें जहाँ पहले विश्वरंग में 15 देश शामिल थे, इस बार लगभग 64 देश पूरे काम में शामिल हैं। वहाँ पर 200 डेलीगेट्स उपस्थित रहेंगे। भारत से करीब 100 लोग जा रहे हैं और बाहर के 25-30 देशों से 100 लोग और भी वहाँ आएंगे। कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार मिलकर हिंदी भाषा पर, हिंदी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर और भारतीय साहित्य पर भी बातचीत होगी। वहाँ के बड़े साहित्यकार डॉक्टर मुन्नी अनंत, जो भारत में भी बहुत फेमस थे, उनके रचनाकार पर बात होगी। हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी भारतीय संस्कृति के आधार पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, जो वहाँ है रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में, कर रहे हैं। हमारी ओर से रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा भी वहाँ डोनेट की जा रही है, जो वहाँ राष्ट्रपति जी अनावृत करेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। बच्चों की बड़े पैमाने पर बच्चे शामिल हैं, उनकी प्रतियोगिताएं हुई। एक बड़ी बात यह है कि शाम के जो सांस्कृतिक सत्र हैं उसमें भारत की संस्कृति की झलक देखने मिलती है। होलियों का एक दल भोपाल से जा रहा है, बंगाल से जयदी चक्रवर्ती बांग्ला संगीत, रवि संगीत प्रस्तुत करेंगे और भोजपुरी गीतों और लोकगीतों को लेकर डॉक्टर मालिनी अवस्थी, जो पद्मश्री से सम्मानित है, वो वहाँ पहुँच रही है। हमारे यहाँ से बड़े प्रख्यात कवि अरुण कमल जी हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं और कलाकार बलराम गुमाश्ता हैं। कथाकारों में मुकेश वर्मा है, ऋषिकेश सौरभ है, आशुतोष है, ये सब लोग रहेंगे। और हम 11 देशों की किताबें भी वहाँ रिलीज कर रहे हैं। विश्व में हिंदी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है जिसमें कि 64 देशों में विश्व में हिंदी कहती है। तो एक बहुत बड़ा प्रयास है जिससे कि विश्व के सभी देशों में हिंदी के विस्तार को बढ़ावा मिले, भारतीय संस्कृति के विस्तार को बढ़ावा मिले। विश्वरंग भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाना चाहिए। विश्वरंग के सह निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के साथ विश्वरंग की मुख्य मेजबानी मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय अपने सहयोगी संस्थानों के साथ करेगा। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रविन्द्रनाथ टैगोर संस्थान परिसर में टैगोर की 7 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जी, विश्वरंग जो कि भोपाल से बड़ा हुआ, भोपाल में जन्मा एक फेस्टिवल है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेजबानी स्वीकार करने का मौका मिल रहा है। 7, 8, 9 अगस्त 2024 को विश्व हिंदी सचिवालय जो कि मॉरिशस में स्थित है, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार द्वारा जॉइंटली एस्टैब्लिश है, उनकी मेजबानी में विश्वरंग होने वाला है। तो इस 3 दिन के कार्यक्रम में सारे साहित्यिक सत्र, सांस्कृतिक सत्र, वैचारिक सत्र होंगे। लगभग 200 डेलीगेट्स भारत और विश्व में अन्य देशों से इस बार वहां पहुंच रहे हैं और भोपाल मध्य प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों को भी एक वैश्विक मंच मिलने वाला है और वहां पे ये कलाकार परफॉर्म कर सकेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे विश्वरंग द्वारा वर्कशॉप्स का भी आयोजन वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है, जिसमें नाटक, चित्रकला और संगीत की वर्कशॉप शामिल है। सुब्रत सेन, जयती चक्रवर्ती, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और भारतीय होलियों के मंचन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विश्वरंग द्वारा मॉरिशस ले जाया जा रहा है। तो मैं सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विश्वरंग से जुड़िए। हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पे लाइव होंगे, उनके साथ आप विश्वरंग का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही विश्वरंग से आगे भी जुड़े रहें, यही मेरी अपेक्षा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।